करने जा रहा है, परंतु उसका शिक्षक क्या होगा सोच में डर जाया। कृषि कानून नहीं तो क्या पेट्रोल के दाम नहीं, नहीं फिर तो पक्का प्रदूषण ही होगा। नहीं नहीं भाई नहीं। आज तो यहाँ एक बेहाल बेबस और बीमार मातृभाषा हिंदी के विचार एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हिंदी माध्यम को ऊपर और अंग्रेजी माध्यम को नीचे रखना नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं। मुद्दा किसी भी भाषा को नीचे रखना नहीं, परंतु लोगों तक यह संदेश पहुंचाना है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें उसका आदर करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। साईबान महलबान कदरदान आप सबके सामने प्रस्तुत है नुक्कड़ नाटक हिंदी विमान। अरे भाई देखो कौन है, किसका है इतना बुरा हाल? क्या हो गया है हाल, कैसा हाल? कोई बताएगा भी सही हमारे देश में इतना बुरा हाल किसका? अरे हिंदी का, हिंदी हो गई बीमार, हिंदी हो गई बीमार। आखिर हिंदी इतनी बीमार क्यों हो गई? हिंदी हो गई बीमार, हिंदी हो गई बीमार। हिंदी का इतना बुरा हाल क्यों भाई क्यों? आखिर हिंदी कैसे हो गई बीमार? आखिर क्यों, आखिर क्यों? मैं हो गई बीमार, मैं हो गई बीमार। मुझे कोई तो बताओ हिंदी इतनी बीमार क्यों हो गई? कोई बताएगा भी जरा हमारे देश में हमारी हिंदी मातृभाषा की इतनी बुरी हालत किसने? आखिर किसने, आखिर किसने? अपने ही देश में पराई हो गई, न जाने हिंदी भाषा कहाँ खो गई। जिस भाषा को हिंदी भाषा का गौरव माना जाता था आज वही भाषा खोती जा रही। आखिर क्यों, आखिर क्यों? सुनो सुनो भाई सुनो सुनो मेरी कथा सुनो। मेरे देशवासियों ने मुझे पराया कर दिया, मेरे देशवासियों ने मुझे पराया कर दिया, अंग्रेजी को प्राथमिकता दी और मुझे पीछे कर दिया। अरे नहीं, तुम तो हमारी मातृभाषा हो। तुम तो सम्मान की अधिकारी हो, परंतु तुम्हारा अपमान क्यों और कैसे? हाँ मैं हूँ, मगर ये जमाना बदल गया है। माँ को कौन याद करता है, माँ को कौन याद करता है? अंग्रेजी के रंग में ढले लोग भले मुझे मेरा आदमी को खतरे में। अब इन बच्चों को ही देख लो, इन्हें तो 78 और 79 का मतलब ही नहीं पता है। और तो और जब यह हिंदी पढ़ने बैठते हैं तब पूछते हैं कि ये क्या है, तब इन्हें बताया जाता है कि 78 को 78 और 79 को 79 कहते हैं। और तो और इनके माता पिता इन्हें घर में व बाहर हिंदी अंग्रेजी बोलने के लिए जोर डालते हैं, तो वह तो सिर्फ यही जानते हैं कि उनका बच्चा सफल हो सके, पर वह यह नहीं जानते कि उनका बच्चा केवल अंग्रेजी में महारत हासिल करने से ही सफल हो सकता, बल्कि अब यदि वह हिंदी में भी महारत हासिल करे तब भी वह सफल हो सकता है। किसी समय दुख का प्रतीक माना जाता था। जब लोग दुखी होते थे तो लोग हाय हाय करते थे। अब लोग सुबह सबसे पहले उठते ही व्हाट्सएप टेलीग्राम फेसबुक पर हाय से शुरुआत करते। धन्यवाद और शुक्रिया जैसे शब्द केवल एक थैंक यू शब्द में सिमट कर रह गए। पहले जहां कार्य को जल्द से जल्द खत्म करने को कहा जाता था, अब as soon as possible कहा और कार्य खत्म। लोग अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए हिंदी भाषा को भूलते ही जा रहे हैं, भूलते ही जा रहे हैं।
करेगी और हिंदी आज तो बीमार हुई है कल अपंग हो जाएगी, अपंग हो जाएगी। भारतवासी अपने ही देश में रहकर हिंदी को भुला देंगे तो हिंदी भ्रम हो जाएगी, अपने ही देश में पराई हो जाएगी, अपने ही देश में पराई हो जाएगी। नहीं नहीं, हम ऐसा अनर्थ नहीं होने देंगे, हम अपनी भाषा की रक्षा स्वयं करेंगे। तो हिंदी है हम, हिंदुस्तानी है हम, सारे जहां से आरा, हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से प्यारा। हाँ भाई तुम ठीक कहते हो, आज से मैं भी शुद्ध हिंदी बोलूंगी और हिंदी का सम्मान करूंगी। हाँ भाई हाँ, हिंदी जो हमारा गौरव है उसे बोलने से क्यों कतराते हो, सम्मान और इज्जत से क्यों नहीं अपनाते हो, सम्मान और इज्जत से क्यों नहीं अपनाते हो। हम सभी को एक साथ मिलकर हिंदी को अपनाना है, अंग्रेजी से पहले हिंदी को स्थान दिलाना है, हिंदी को स्थान दिलाना। बीमार होने से